लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता गया है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 फॉर इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O शुड एट द रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हियर आपको बताया गया है कि इसमें 1.5 ग्राम का जो इथेन है कंप्लीट कंबशन पे देता क्या है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड कितने का 44 ग्राम एंड 2.7 ग्राम वाटर। तो इसमें आपको बताना है कि इस रिएक्शन को शो करिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिखोगे C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब ये रिएक्शन आपका क्योंकि बैलेंस नहीं है तो इसे फाइनली बैलेंस करोगे। फाइनली बैलेंस किया आपने 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। इसका ये मतलब हुआ इफ 2 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर 7 मोल्स ऑफ O2। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इसमें हम फर्स्टली निकालेंगे इथेन का। इथेन का जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या फिर किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो आप फाइनली कैसे निकालोगे, जो दिया गया है मास से उससे डिवाइड कर दोगे मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, इस एलिमेंट्स इस कंपाउंड में कितने टोटल मासेस प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसी को टोटल करके आप बताओगे मोलर मास। तो आइए चलते हैं कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 होता है। गिवन मास जो है C2H6 का वो है 1.5 ग्राम लिख दिया। नाउ मोलर मास C2H6 कितना कैसे निकालोगे, कार्बन पर एटॉमिक मास होता है 12, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है इसलिए 2 से आपने जब भी मल्टीप्लाई किया तो 24 आपको मिला। 24 प्लस H आपका एटॉमिक मास है 1 और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो 6 ही आपको मिलेगा और फाइनली इनको ऐड किया तो आपको 30 मिला, यानी कि 1.5.30। और इससे आपने जब पॉइंट हटाया तो 10 नीचे और ऐड हो गया है, ये फाइनली आपका 300 बन गया और इससे आपको मिला फाइनली 0.05 मोल। क्या मिला 0.05 मास ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइनली निकाल लिया इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर मोलर ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, क्योंकि ओ एक ओ जो है आपका उसका एटॉमिक मास होता है 16, O2 हो जाएगा अगर तो वो डबलेट हो गया यानी कि 16 × 2 = 32, इसलिए 32 आया। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है तो ये हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, इसलिए ये 32 इसका मोलर मास आएगा और फाइनली आपको 7/40 मल्टीप्लाइड बाय 32 क्या देगा 5.6 ग्राम का ऑक्सीजन देगा। अब उसी ऊपर वाले रिएक्शन को आपने देखा तो उसमें आपको पाया आपने पाया कि जो इथेन है उसका जो मास आपको मिला है 1.5 ग्राम मिला है, ऑक्सीजन का मास 5.6 ग्राम मिला है। और वहीं ये तो सम ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए तो सम इनका सम जब आप करोगे तो 7.1 मिलेगा। प्रोडक्ट्स की बात आई तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को जब आपने ऐड किया ये आपके मासेस दिए गए हैं, इन मासेस को जब आपने ऐड किया तो 7.1 ग्राम आया और इन दोनों साइड ही इक्वल है तो इसलिए ये
एप्लीकेबल है या फिर ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि आप एक वेसल में सी वाटर लीजिए, एक वेसल में रेन वाटर लीजिए और थर्ड वेसल में टैप वाटर लीजिए। तो फाइनली आप वाटर का जब फॉर्मूला देखोगे तो H2O होता है और उनका जो प्रोपोर्शन होगा या रेशियो किस रेशियो में रहता है, H और O। तो H2O का आपको मास 2:16 के फॉर्म में रहता है और रेन वाटर भी सेम 2:16, टैप वाटर भी सेम रेशियो 2:16। फाइनली आपको 1:8 तीनों ही वाटर में मिलेगा। और इसलिए ये जो ऐप कह रहा है कि चाहे कोई भी आप पानी लीजिए, किसी भी टाइप का, उनमें H और O हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, कौन सेम रेशियो में ही रहेंगे। इसी तरह आप क्यूप्रिक कार्बोनेट का लोगे तो उसमें जो कॉपर है, चाहे आप कहीं से भी क्यूप्रिक कार्बोनेट उठाओ, उसमें कॉपर कार्बन ऑक्सीजन तीनों का प्रोपोर्शन या रेशियो सेम रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आपने जो भी लिया है क्यूप्रिक कार्बोनेट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कहता है when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combines with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to another। इसका ये अर्थ हुआ, आइए समझते हैं, कि आपने डिफरेंट मासेस का ऑक्सीजन लिया, इसमें कोई एक एलिमेंट जो है आपका वो फिक्स हो जाता है और वहीं दूसरा एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मासेस में एग्जिस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे कि आपने दो कम एलिमेंट लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर आपने ऑक्सीजन कार्बन को फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को डिफरेंट कर दिया, ऑक्सीजन को आपने फर्स्ट टाइम पे डबलिंग लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन की जो मास है, ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 32 ग्राम होगा, ठीक है। और वहीं अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला CO होता है और ऑक्सीजन का जो मास है उसमें 16 होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन होंगे वो क्या क्या लिए हैं, आपने 32:16 लिया है। और ये जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइन करके एक किसी फिक्स मास के एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। उसका जो फिक्स मास का एलिमेंट है वो है कार्बन और उसका जो मास है 12 ग्राम है। तो ये फाइनली आपको यहाँ पे आपको रेशियो दिया है C2O2 CH2O। यहाँ रेशियो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ रेशियो दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। और इनका जो आप रेशियो लोगे, इन ऑक्सीजन के जब आपने आपस में रेशियो लिया तो आपको क्या मिला, 32:16। और इसका ये रेशियो आपको फाइनली 2:1 मिलेगा, ठीक है। 2:1 जो है आपका एक सिंपली होल नंबर रेशियो है। दूसरा एग्जांपल आपने लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर का, तो उसमें वाटर जो है H2O है और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है। वाटर में आप देखोगे रेशियो होगा H और O का 2:16, वहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड में H और O का रेशियो होगा 2:32। यहाँ पे एक
जो हाइड्रोजन है वो देखिए फिक्स हो गया है, वहीं दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन वो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में। तो इस ऑक्सीजन का आपने जब रेशियो लिया तो ये क्या करता है, एक होल नंबर रेशियो बियर करता है, मीन्स की देता है आपको, और फाइनली आपको 16:32 मिला जो कि रेशियो कहलाएगा 1:2 का। अब देखिए 1:2, 2:3, 1:5 ये सभी अगर रेशियो आ रहे हैं आपके किसी भी न्यूमेरिकल में तो ये सही है। वहीं अगर आपने 4:5, 6:7 ये इस टाइप के जो रेशियो हैं ये जनरली गलत होते हैं, तो इनसे आपको सावधानी रखनी है। नाउ 4:2 गेस ल्यूसेक्स लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब भी गैसेस रिएक्ट होती हैं ये एक वॉल्यूम में ही रिएक्ट होती हैं, और वॉल्यूम में रिएक्ट होती हैं यानी ये वॉल्यूम इनका कैसा होता है, होल नंबर फॉर्म का होता है, मीन्स की 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम एक्सेट्रा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन गैसेस, जो रिएक्टेंट में वॉल्यूम होता है जैसे कि आपने H2Cl2 लिया तो यहाँ पे H2 का वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम ऑफ H, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, वहीं क्लोरीन भी एक गैस है उसका भी वॉल्यूम 1 ही है, और इसने जब रिएक्ट किया फाइनली आपको प्रोडक्ट देता है 2HCl, और ये कितने वॉल्यूम का रहेगा, 2 वॉल्यूम का। यहाँ पे सिंपली इसमें ये कहा गया है, ये किया गया है कि ये गैसेस फॉर्म में गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये उतने ही वॉल्यूम में आपको प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होते हैं, 5th लॉ। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये हाइपोथेसिस रखी गई है। उसमें होता है एक्चुअली ये कि टेम्परेचर, प्रेशर और भी फिजिकल कंडीशन सभी को एक समान रख के रखा जाता है, फिर उसमें क्या देखा जाता है, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैसेस जो हैं वॉल्यूम गैसेस जिस कंटेनर में रखी जाएं उसी का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ऐसा आपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है। तो जो भी गैसेस हैं वो किसी कंटेनर में ही रहेंगी, और जब कंटेनर में हैं तो उनमें उस कंटेनर में जितना वॉल्यूम है उसी के बराबर उसमें उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे रहते हैं उन गैसेस के, ऐसा है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का कहना है। आइए ये एक्सपेरिमेंट है या फिर आपको समझाने के लिए थ्योरी पार्ट है कि एक ग्लास टाइप का ये बीकर लिया है, इस बीकर में फ्लास्क इसका शेप है कुछ ऐसा है इसलिए फ्लास्क, इस फ्लास्क में 100 ml का ये फ्लास्क है और इसमें रखा गया है H2 गैस, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, हाइड्रोजन फिल कर दिया गया है ना। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको कितने मिले हैं, X मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ठीक है। वहीं इसी फ्लास्क में अगर 200 ml का N2 लिया है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे कितने हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। 50 ml का Cl2 लिया गया अगर किसी फ्लास्क में तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है,
मान लीजिए 50 ml का H2SE से ले लिया आपने, तो ये आपका जो X था, X मॉलिक्यूल्स, इसका भी जब आपने वॉल्यूम हाफ किया तो नंबर भी हाफ हो गया, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर थे वो भी हाफ हो गए, X/2। ठीक है, ये ऐसा कहना है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। और इसमें सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की थ्योरी, मोल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग होमवर्क करते रहिएगा।